हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पता है कि आपको सीयूटी का एग्जाम बहुत पास है, तो हमने क्या किया है कि जनरल टेस्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है। तो ये सीरीज का 6th वीडियो हुआ हमारा। तो अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लें। और जब आपको सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है? तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। क्लासेस का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी इक्वल टू 2000, आर इक्वल टू 5% पर एनुअल, टी इक्वल टू 5 ईयर, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। ए टोटल सम ऑफ अमाउंट 2200, बी एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200, फिर सी दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 500, डी टोटल सम ऑफ अमाउंट 2500। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और हमें क्या करना है कि इनके बीच का क्या निकालना है, हमें निकाल लेना है, और उसके बाद ये जो है टोटल अमाउंट निकालना है हमें और एस आई निकालना है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में दो ही दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट और हम जब इस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट को जब हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल अमाउंट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100। तो अगर हम जब इससे एस आई निकाल लेंगे तो एक ऑप्शन हमें उससे पता चल जाएगा, और हम क्या करेंगे एस आई को जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देंगे, ये जो 2000 दिया हुआ है मतलब 2000 जो दिया हुआ है इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2000 इंटू आर कितना है 5% इंटू 5 ईयर टाइम है बाई 100। तो हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 हमारा आ रहा है एस आई। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 2000 प्लस 500, तो अमाउंट हो जाएगा 2500। तो हमारा ये 500 एस आई होना चाहिए और सम ऑफ ऑल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 2500। तो हम इसमें देखते हैं एस आई हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा एक, और ये कौन सा हुआ 2000 टोटल सम ऑफ अमाउंट 2500 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। सी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। सी एंड डी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन वन क्या है? ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ऊपर वाला ही नहीं मार देना, नीचे वाले को मारना है, ठीक है? क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/5, 4/9 एंड 5/8। आपने तो बहुत सिंपल एलसीएम निकालना बहुत सीखा होगा, इस एलसीएम को कैसे निकालते हैं? इसका क्या होता है फॉर्मूला? अगर जब भी हमसे पूछे फ्रैक्शन का एलसीएम जब भी पूछे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का एलसीएम करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम करेंगे और डोमिनेटर का क्या करेंगे? एचसीएफ कर देंगे, ठीक है? तो न्यूमरेटर का एलसीएम करने पे क्या आएगा हमारे पास? 3 × 4 × 5, क्योंकि ये 3 × 4 × 5 का हमें एलसीएम हो नहीं सकता, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। और जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 60। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन टू का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन थ्री क्या कहता है? इन ए स्विमिंग पूल मेजरिंग 80 मीटर × 60 मीटर 120 मैन टेक अ डीप, इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई ए मैन इज 6 m³, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल इज। अब ये क्या होता है कि मान लो ये स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल में क्या होता है कि इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और इसका जो है हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें निकालने के लिए बोल रहा है, और हमसे कह रहा है कि इसका जो है लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 80 m × 60 m। अब हमसे कह रहा है कि अगर इसमें एक आदमी जाता है तो कितना ये वाटर लेवल जो है 6 m³ ऊपर उठ जाता है, ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि अगर 120 आदमी इसमें कूद जा रहा है तो कितना वाटर लेवल उठेगा। तो हम इस क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चंस को इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस तो आप समझ गए होंगे इतना से, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको 80 m × 60 m × h इक्वल टू 120 m × 6। अगर हम इसको इक्वल कर दें तो एज का वैल्यू पता चल जाएगा हमें। तो 80 × 16 करने पे कितना आएगा? 4800 h, और इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 720 h / 720 /
4800 हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बहुत लोग नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग एक्टिव है। बहुत कम लोग, कोई एक वीडियो पे करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा, कोई तीसरे पे करेगा, चौथे पे नहीं करेगा। कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड टाइम लगता है। कमेंट करेंगे तो आप हमको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कह रहा है, इफ पी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ वाई एंड क्यू इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि x परसेंट ऑफ y p है और q इक्वल टू y परसेंट ऑफ x है, तो हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ये जो ABCD दिया हुआ है ऑप्शंस में से। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस में मान लेना चाहिए। मान लो अगर हम x को हम मान लेते हैं क्या 100 और y को कितना मान लेते हैं 15। अब हमसे क्या कह रहा है, p का वैल्यू x परसेंट ऑफ y, तो x की जगह पे हम 100 लिख देंगे, 100% ऑफ y कितना है 50, 50 हमने मान रखा है, तो हम इसका निकालेंगे परसेंटेज में, तो ये कितना होगा 50 आ गया, मतलब पी इक्वल टू 50। अब हम यहाँ से क्यू देखते हैं, क्यू इक्वल टू कितना है, क्यू वाई परसेंट ऑफ एक्स, वाई परसेंट ऑफ एक्स, वाई कितना हमने मान रखा है 50, और उसके बाद हमारे पास एक्स कितना है, एक्स 100 है, तो ये इसका हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्यू इक्वल टू 50। तो क्यू और पी क्या होगा, इक्वल होगा, पी का भी वैल्यू 50 आ रहा है, क्यू का वैल्यू 50 आ रहा है, तो पी और क्यू इक्वल होगा, तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन जो होगा हमारे पास ए होगा, तो ए पे हम कर देते हैं टिक, तो ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एलिस इज फास्टर देन बॉब, एलिस एंड बॉब इच वॉक 30 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाई देम इज 16 आवर, देन एलिस स्पीड इज इक्वल टू। हमसे क्या कह रहा है कि एलिस जो है बॉब से तेज, मतलब तेज चलता है, और ये दोनों एक साथ 30 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, और इनका जो एवरेज, मतलब दोनों का जो स्पीड का जो सम है वो कितना आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो इनके जो इन्होंने दोनों एक साथ टाइम लिया है वो कितना लिया है 16 आवर। तो हमसे पूछ रहा है एलिस का स्पीड क्या होगा, मतलब सब दोनों का एक साथ सब चीज़ दिया हुआ है, स्पीड है हमारे पास, टाइम है, उसके बाद डिस्टेंस है, लेकिन हमें अलग पूछ रहा है कि एलिस का स्पीड क्या होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मान लो हमने एलिस का स्पीड माना एक्स, तो बॉब का स्पीड क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो 30 बाई एक्स माइनस 30 बाई 8 माइनस एक्स, प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि कंबाइन करके 16 आवर दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्लस में दिया हुआ था, प्लस में टाइमिंग कितना है इनका, दोनों एक साथ मिलके कितना 16 आवर्स का टाइम लेते हैं, और ये इस ये एक का स्पीड हो गया एलिस का, और ये बॉब का स्पीड हो गया, और ये हमने यहाँ पे मान रखा है स्पीड को, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, स्वाति रॉ डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड ही टू के 4 आवर ईच टू कवर बोथ डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। अब ये क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या करती है स्वाति, 24 किलोमीटर चलती है, और अप स्ट्रीम में कितना चलती है 8 किलोमीटर चलती है, और दोनों जो है उसका दोनों का टाइमिंग कितना, टाइम कितना लिया है 4 घंटे लिया। तो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, धारा के साथ चलना। मान लो अगर कोई नदी है, कोई नदी है और इधर से बह रही है, इधर से जा रही है इसकी पानी, तो इसका क्या होगा डाउन स्ट्रीम क्या होगा, इसी के साथ अगर बोट भी चल पड़े, बोट भी इसी के साथ चल पड़े, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। तो इसका मान लो इसका जो स्पीड हुआ इसका, और ये जो बोट का कुछ स्पीड हुआ वाई मान लो, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। अप स्ट्रीम क्या होता है कि मान लो ये नदी इस साइड से जा रही है, लेकिन क्या हुआ कि ये बोट जो है इस साइड से जाने लगी, तो अब बोट का क्या होगा, बोट का मान लो स्पीड वाई है और नदी का क्या स्पीड है एक्स है, मतलब कुछ तो करंट होगा नदी में भी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये अपोजिट जा रही तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, अपस्ट्रीम में, बस यही ध्यान रखना है हमें। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका 4 आवर में, तो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, हमसे स्पीड पूछ रहा है करेंट का, मतलब जो नदी का करेंट होगा उसका स्पीड कितना होगा। तो हमें पहले डिस्टेंस पता है डाउन स्ट्रीम में कितना चलती है और अप स्ट्रीम में कितना चलती है, ये हमें पता है। हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्पीड में, तो स्पीड में डाउन स्ट्रीम को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 24 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद अप स्ट्रीम को कन्वर्ट करेंगे, अप स्ट्रीम को कन्वर्ट करेंगे तो 8 किलोमीटर बाई 4 करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमें स्टील करेंट का निकालना होता है तो 1/2 × डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है,
तो हम 1/2 डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है 6 और अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है 2, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब स्टील वाटर में कितना करंट होगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, सुरेश कवर अ डिस्टेंस बाई ए साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए कार एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। सुरेश क्या करता है कि साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर जाता है, मान लो कोई स्पीड हुआ एक्स डिस्टेंस हुआ, उसको पहले साइकिल से कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर रिटर्न आता है उसी पाथ पे, मतलब वही डिस्टेंस कवर करके वो कितने कार से 50 किलोमीटर पर आवर से, और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब हमारे पास क्या हुआ है कि टोटल हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है और उसके बाद टाइम भी हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड पहले से गिवन है। जब हम टाइम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे, उसके बाद जो भी निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो चलो ऐसे ही करते हैं। तो क्या है, लेट डिस्टेंस मान लो हमने एक्स मान लिया, डिस्टेंस को एक्स मान लिया, तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो टाइम 1 हो जाएगा एक्स बाई 10। टाइम 2 क्या हो जाएगा, दूसरे बार में 50 किलोमीटर से चलता है तो एक्स बाई 15 हो जाएगा। तो हम एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x बाई 10 हो जाएगा प्लस x बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x, हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आप खुद कर लो। ठीक है, ये कर लोगे इसका हमें आंसर्स हो जाएगा, इसका क्वेश्चन 7 का हो जाएगा आंसर्स बी। ठीक है, इसको खुद आप सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ तक मैंने बता दिया। यही अगर जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो यहाँ तक ही समझना मेन है, बाकी कैलकुलेशन आपको कोई नहीं सिखाएगा। कैलकुलेशन का क्या सीन है कि कैलकुलेशन आपको खुद आना चाहिए, इसको ये खुद डेवलप करना है। यहाँ तक क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए, बस यहाँ तक ही टीचर आपका साथ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर देंगे कुछ कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, बॉयज सिक्योर्स 17%, 40% एंड 60% मार्क इन टेस्ट पेपर्स विथ 100, 15 एंड 150 रिस्पेक्टिवली एज मैक्सिमम मार्क, द परसेंटेज ऑफ हिज एग्रीगेट इज। क्या कह रहा है कि एक पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें क्या करता है, एक बॉयज 70% मार्क्स सिक्योर करता है। एक पेपर होता है 50 नंबर का, उसमें क्या करता है, वो बॉयज 40% मार्क्स सिक्योर करता है। एक पेपर होता है 150 का, उसमें वो क्या करता है, 60% मार्क्स सिक्योर करता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि परसेंटेज एग्रीगेट क्या होगा, मतलब उसका पूरे का परसेंटेज तीनों विषय का एक साथ परसेंटेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल पहले वो नंबर कितना, नंबर उसे कितना मिला है पहले वो हम निकाल लेंगे, ये जो गिवन डाटा है इससे। उसके बाद इस टोटल नंबर को हम प्लस करके जब डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो उसका क्या होगा, एग्रीगेट परसेंटेज निकल जाएगा। तो हम करके देखते हैं। तो 17% ऑफ 100 का हम करेंगे, 100 का जब 17% करेंगे तो ये आ जाएगा 70। हम 40% ऑफ 50 का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। 40% मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, हम इसका 60% ऑफ 150 का करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हम प्लस कर देंगे और उसके बाद जो टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट परसेंटेज निकल जाएगा। तो हम इसको प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और ये जो ये टोटल को हम प्लस करेंगे तो 100 प्लस 15 150 300 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 60%। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60%। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन बी, हमारा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द प्रजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3-4 रिस्पेक्टिवली, इफ क्यू प्रजेंट एज इज 20 ईयर्स, वाट विल बी द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एंड क्यू के बीच में जो एज का रेशियो है 3.4 है, ठीक है, 3:4 है, और क्यू का जो प्रेजेंट एज है हमारे पास 20 ईयर्स है, और हमसे क्या कह रहा है कि आप 5 साल बाद इन दोनों के बीच में पी एंड क्यू का रेशियो क्या होगा।
तो पहले तो हम अगर पी का अगर हम रेशियो निकाल ले, जो गिवन डाटा दिया हुआ है, पी का हम एज निकाल ले, तो हम क्या करेंगे उसमें अगर हम 5+ कर देंगे और क्यू में भी 5+ कर देंगे और अगर उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या होगा कि 5 साल बाद का भी रेशियो पता चल जाएगा। तो हम क्या पहले क्वेश्चन क्या करते हैं कि मान लो ये पी का एज दिया हुआ है, ये क्यू का एज, ठीक है, और ये 3/4, यही हमसे कह रहा है। पी का एज हमें नहीं पता है तो मान ले हम एक्स मान लिया, पी कोई पी ही मान लेते हैं, क्यू क्यू का एज हमें पता है तो 20 ले लेते हैं, 3/4 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इससे, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी 20 × 3/4, तो ये आ जाएगा 15। हमारे पास पी का एज पता चल गया। अब हमें कह रहा है कि 5 साल बाद ये दोनों का जो एज है इसका रेशियो क्या होगा, तो 15+5, उसके बाद 20+5, तो ये आ जाएगा 20, और ये 20+5 हो जाएगा ये 25, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा इनके बीच का, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ 12 15 7 8 एंड x+3, और x का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे पहले x का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद जो आएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल नंबर, डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसे मीन का फॉर्मूला होता है तो हम पहले एक्स को जब इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो हमारे पास 12 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 8 हो गया, अब प्लस इसमें जब 2 पुट किया तो ये 15 हो गया। अब इसको सम ऑफ टोटल नंबर बाई टोटल नंबर, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारे पास, तो ये 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और ये 20 20 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 57/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 11.4 आंसर हो जाएगा हमारा, 11.4, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का सी, ठीक है, क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ वाई इन द क्वेश्चन 2x+3y-7=0, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा, तो जब हम इस पे एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे तो वाई का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो देखो 2 × x की जगह पे -3/2 रख देते हैं, उसके बाद +3y-7=0। अब इसको 2 से 2 कट करेंगे तो -3+3y-7=0, 3y-10=0, तो y=10/3। जब इधर से -10 है तो इधर जाएगा, जब इक्वल टू के उस साइड जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और डिवाइड में 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10/3, 10/3 तक ही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 का फिगर ये है, तो क्वेश्चन 12 का फिगर ये है, तो हमसे पूछ रहा है डीबीसी का, डीबी जे स्ट्रेट लाइन, तो डीबीसी का एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल का ये था क्वेश्चन, मैंने देख रखा है इसलिए मुझे पता है यहाँ ट्रायंगल का साइन था। तो हमसे क्या कह रहा है, ट्रायंगल डीबीसी का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × b × h, ठीक है। तो हम अगर b पता चल जाए और h पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा था, ट्रायंगल डीबीसी, अब d b और c, तो हम क्या कह रहा है, ये जो है d से g के पास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, g से b का कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो db हमारे पास db कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो जी और सी के बीच का दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास एच हो गया, हाइट हो गया, तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब चलते हैं उस पर निकालते हैं, तो 13 1/2 × 13 × 5, तो हमारे पास ये दिया हुआ है तो 65/2, तो ये हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन 12 का ए। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें हमको डिस्टेंस पूछ रहा है ए बी से। अब आपने पढ़ रखा होगा तो देखे ये हमारा कहाँ है, इस ये हमें भ्रम भ्रम में फैलाने के लिए ये दिया हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ये ए नहीं है, ये नहीं है, ए का जो है, ए जो है यहाँ पे है, ये देखो ए के जो है वो 3 पे है, 3 जो है, और ये बी जो है ये 5 पे है, तो हम क्या करेंगे, 5 − 3 = 2, तो हमारा क्या कितना हो जाएगा डिस्टेंस इनके बीच का, 2। तो क्वेश्चन 13 का क्या हो जाएगा, सी।
क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, सिलेक्टेड द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो गिवन है एफ इक्वल टू 216, तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस होगा, वैसे ही हमें एल का रिलेशन, इनके बीच में जब हमें रिलेशन पता चल जाएगा तो हमें एल का भी रिलेशन पता चल जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशंस क्या है, एफ जो होता है एफ अल्फाबेट नंबर में 6 नंबर पर होता है, और जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। तो L कितने नंबर पे होता है, L जो होता है वो 12 नंबर पे आता है, और हम जब 12 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, तो 1728 आता है। ठीक है, तो L का क्वेश्चन 14 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन 15 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर आर मिसिंग विच आर गिवेन इन द ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव बिलो इट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ऑप्शंस देख के अंदाज लगाना पड़ता है कि इसका होगा क्या, हो क्या सकता है। तो देखो यहाँ पे ए ए सीरीज, ऐसे हम मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ बी, देखो इस सीरीज में क्या दिखा दे रखा है, यहाँ देखो एक डैश दे रखा है, फिर ए दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, फिर ए बी ए ए, फिर डैश, फिर बी ए बी, फिर डैश, फिर ए बी बी। अब यहाँ पे मान लो हमने बी पुट किया, फिर यहाँ बी पुट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे बी ए पुट किया, फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद एक मिनट, हाँ क्या हुआ कि मैंने पहले यहाँ पे बी पुट किया, फिर ए पुट करता हूँ, फिर बी पुट करता हूँ, फिर बी पुट करता हूँ, फिर ए पुट करता हूँ। तो देखें बी ए ए एक सीरीज हुआ, बी बी ए एक सीरीज हुआ, फिर बी ए ए एक सीरीज हो रहा है, फिर बी बी ए एक सीरीज हो रहा है, फिर बी ए ए एक सीरीज हो रहा है, फिर बी बी ए एक सीरीज होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 15 का 4 आंसर्स हो जाएगा। इसको आपको ऑप्शंस देखना होगा और ये खुद डेवलप करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि इसमें से हमें ऑड पेयर चूज करना है। ऑड पेयर क्या है कि देखो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है, ठीक है, और ये बाकी लोगों का हथियार है, मतलब बार्बर सीजर से कैंची से बाल काटता है, उसके बाद कारपेंटर सॉ से बनाता है उसे, इसी ब्लैक स्मिथ एनविल से। तो ये क्या हुआ कि गोल्ड गोल्ड स्मिथ का क्या होता है, ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंट बनाता है, इसका औजार नहीं होता है ऑर्नामेंट। क्वेश्चन 17 के चलते हैं, दूज चूज अ सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड चूज करना है। सितार, देखो सितार में भी स्ट्रिंग लगा होता है, अगर आपने देख रखा है तो, गिटार में भी स्ट्रिंग लगा होता है, तानपुरा में भी स्ट्रिंग लगा हुआ होता है। स्ट्रिंग क्या होता है कि तार लगा होता है, और उसी तार को हम ऐसे, मतलब जब उस पर हम इधर से उधर करते हैं, अब फिंगर को जब करते हैं तो ये क्या होता है कि उसमें से आवाज़ निकलती है। तो वैसे ही हमें इसमें से देखना है, हारमोनियम में स्ट्रिंग नहीं लगा होता है, मृदंगा में भी नहीं लगा होता है, ट्रम्पेट में भी नहीं लगा होता, वायलिन में लगा होता है। वो जो गद्दर फिल्म में था ऊर्जा काले कौवा, वो जो बजाता है यहाँ पे रख के, वो वायलिन ही होता है, तो उसमें भी स्ट्रिंग लगा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, वायलिन। तो क्वेश्चन 17 का 2 ऑप्शंस हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पे चलते हैं, चूज अ सिमिलर वर्ड जूट कॉटन ऊल। अब क्या है कि जूट भी नेचुरल है, कॉटन भी नेचुरल है, और ऊल भी नेचुरल है, तो हमें नेचुरल पता करना है, नेचुरल फाइबर क्या होगा। तो रेयन नेचुरल नहीं होता, नायलोन भी नहीं होता है, टेरिटिन भी नहीं होता है, सिल्क जो होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड। ऑड पेयर हमें चूज करना है, तो वॉल्यूम को हम लीटर में मापते हैं, ये सही है, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, ये भी सही है, रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, ये भी सही है, लेकिन प्रेशर को बैरोमीटर में मेजर नहीं करते हैं। बैरोमीटर क्या होता है, इसका डिवाइस होता है मेजर करने का, तो ये हमारा क्या है, ऑड है। तो क्वेश्चन 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं, क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देयर आर डियर्स एंड पिकॉक इन ए जू, बाई काउंटिंग हेड दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग इज 200, हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर। क्या कह रहा है कि एक जू में कुछ पीकॉक्स हैं, मतलब कुछ मोर हैं, और जो है डियर हैं, ठीक है, और इनका जब सर काउंट किया जाता है तो ये 80 आते हैं, लेकिन जब इनका लेग काउंट किया जाता है तो ये 200 होते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, ज़्यादा होगा लेग, क्योंकि डियर का लेग जो होता है वो 4 होता है, और पीकॉक का होता है वो 2 होता है, और क्या होता है कि हेड तो सबका एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम पे मान लो हमने डियर का मान लिया कि एक से, हमने पीकॉक का मान लिया, पीकॉक का मानता हूँ मैं वाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके इनके हेड हेड का कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा, हेड तो एक ही होता है सबका, तो सेम होगा। अब ये लेग्स का कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो डियर का कितना होता है, 4 लेग होता है, तो इसे हम 4x लिख देते हैं, प्लस कितना होता है इनका, पीकॉक का कितना हो जाता है,
टू लेग्स होता है, तो टू आई इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू 200। अब हम क्या करना है कि अगर हम इस इक्वेशन से जब सेम कर देंगे तो उसके बाद हम जब कटअप करेंगे तो हमें बाकी के आंसर्स मिल जाएगा हमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से। तो हम इसको जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 80। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये इस जो इक्वेशन है पूरी इक्वेशन को 4x + 2y = 200 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x + 2y - 80। अब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये -2y है +2y है तो ये कट आउट हो जाएगा, ये -80 है ये 200 है तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 2x = 120, तो x = 60। अब x = 60 आ गया हमारे पास। तो जब x = 60 हो जाएगा तो y = कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पिकॉक कितना होगा, 20। तो हाउ मेनी पिकॉक आर देयर, ये कहीं हमने गलत किया है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर से हम इसे करते हैं, ऑप्शंस हमारा नहीं मिल रहा है तो कुछ तो गलत किया है हमने। तो इसको हम फिर से करके देखते हैं फिर क्या होगा, हम इसके आंसर्स फिर से करते हैं। तो कंसेप्ट तो वही होगा, डियर का मान लिया मैंने एक्स, उसके बाद हमने पीकॉक का मान लिया वाई। तो क्या हुआ कि इनके दोनों दोनों लोगों के हेड का क्या काउंटिंग है, x + y = 18, और इनके लेग्स का क्या है, लेग्स का जो दिया हुआ है 4x + 2y = 18। तो हम इसको करते हैं तो फोर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो 2x + 2y = 160 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो दिया था ये 200 था, तो हम ये क्या करेंगे, 2x + 2y = 160। तो यहाँ ये हो जाएगा 2x, ये 2y कट आउट हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 14/2, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब x = 20 आ गया तो हमारा x + y का कितना वैल्यू था, 18। मतलब हमारे पास डियर कितना है, 20 है, और तो डियर 20 है तो 20 + y = 18, तो हमारे पास y = कितना आ जाएगा, 16। तो y हमारे पास पीकॉक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 20 का 4, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो इसलिए इतना इसके लिए मतलब ज़्यादा घबराना नहीं है कि सर गलत कर दिए, चाहे कुछ भी गलत सबसे होता है, गलती सब करते हैं, हम भी बहुत गलती किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है, ये प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस है अब समाप्त हो चुका है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे और भी क्वेश्चंस जो होगा इस साल के जो प्रैक्टिस के लिए आया उसको हम आगे वाले लेक्चर्स में कराएंगे। ठीक है, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, बताएं उन्हें भी, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा होगा और वो भी अच्छा कॉलेज, उन्हें भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो सब दोस्त एक साथ मिलकर पार्टी करेंगे वहाँ पर कॉलेज में जाके। ठीक है, तो शेयर भी करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।